डियर स्टूडेंट, फिजिक्स नमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 साइंस का चैप्टर 8 मोशन लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आइए सबसे पहले हम देखते हैं मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। तो आइए कुछ हम एग्जांपल देखते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस का ये ओरिजिन है। यहां से हम जो भी है डिस्टेंस है, हम यहां से मेजर करना चालू करेंगे। तो ये देखिए हमारा एक्स एक्सिस में यहाँ 5 मीटर है, ऐसे ही 10 मीटर ओरिजिन से, और ये 50 मीटर, यहाँ ये 50 मीटर डिस्टेंस है ओरिजिन से। तो आइए कुछ हम मोशन देखते हैं। इसमें हम लोग चार तरह के बॉडी को मोशन करते हुए देख रहे हैं। एक बार फिर से देखते हैं। ये देखिए, एक येलो कार जो बहुत तेजी से गई, और दो रेड कार और ब्लू कार वो थोड़ा स्लो से जा रही है, लेकिन इन दोनों का कार का जो रेट है, मोशन का जो रेट है वो एक समान है। और एक घुड़सवार भी है जो हॉर्स राइडिंग कर रहा है, तो उसका रेट ऑफ मोशन सबसे कम है। तो देखिए, ये अलग अलग बॉडी का रेट ऑफ मोशन अलग अलग हो सकता है। जैसे येलो कार का मोशन सबसे अधिक था, और रेड और ब्लू कार का मोशन उससे कम था। रेट का मोशन उससे कम था, और घुड़सवार का, हॉर्स राइडर का रेट ऑफ मोशन सबसे कम था। तो अलग अलग बॉडी का मोशन, रेट ऑफ मोशन अलग अलग हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट और सेम, जैसा हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल में देखा। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं रेट क्या होता है, व्हाट इज रेट। जैसे मान लीजिए कि आप लोग कोई दुकान में गए जिसमें ये फ्रॉक सेल हो रहा है, तो ये दुकान में तीन फ्रॉक का जो प्राइस है, प्राइस ऑफ थ्री फ्रॉक ₹1200 है। तो ये तीन फ्रॉक का प्राइस ₹1200 है, तो इस ये फ्रॉक का रेट नहीं है, ये तीन फ्रॉक का प्राइस ₹1200 है। अगर हम एक फ्रॉक का प्राइस जब हम बताएंगे तो उसे हम रेट बोलेंगे। तो जैसे तीन फ्रॉक का प्राइस ₹1200 है, तो एक फ्रॉक का प्राइस कितना हो जाएगा, 1200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 400। तो जब हम एक फ्रॉक का प्राइस का जब हम एक फ्रॉक का प्राइस हम जब बताएंगे तो उसे रेट बोलेंगे, रेट ऑफ फ्रॉक ₹400 पर फ्रॉक। उसी तरह मान लीजिए कि हम टी शर्ट पसंद आया मेरे को, और ये टी शर्ट का प्राइस है, चार टी शर्ट है एक सेट में, तो इन चार टी शर्ट का प्राइस है ₹1200 चार टी शर्ट का प्राइस है। तो अब हमें रेट ऑफ टी शर्ट, यहाँ देखिए, अब हमें रेट ऑफ टी शर्ट मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो 400 चार टी शर्ट का प्राइस है, 1200 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 300। तो जब एक टी शर्ट का जब हम प्राइस बोलेंगे तो उसे हम रेट बोलेंगे, रेट ऑफ टी शर्ट ₹300 पर टी शर्ट। तो जब हम किसी चीज का एक जब यूनिट में मेजर करते हैं, रेट हम यूनिट या पर क्वांटिटी में मेजर करेंगे तो हम उसे रेट बोलेंगे। तो अभी आप लोगों को रेट समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग रेट ऑफ मोशन को समझते हैं, व्हाट इज
रेट ऑफ मोशन। अभी तो हम लोगों ने देखा कि कोई वस्तु है या जैसे फ्रॉक था या टी शर्ट था, तो उसका हम लोगों ने रेट निकालना सीखा। अब हम मोशन के रेट को कैसे निकालेंगे, तो मोशन के रेट को निकालने के लिए आइए हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोगों ने जो टी शर्ट का जो देखा, तो टी शर्ट का जो रेट देखा, तो टी शर्ट का रेट जैसे जैसे हम टी शर्ट का क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो टी शर्ट का प्राइस भी बढ़ते जाएगा। जैसे एक टी शर्ट का जो कॉस्ट था, एक टी शर्ट का कॉस्ट 300 था, तो अगर हमें पांच टी शर्ट का प्राइस मालूम करना है तो पांच टी शर्ट का कॉस्ट हो जाएगा 1500, उसी तरह सिक्स टी शर्ट का कॉस्ट हो जाएगा 1800, फोर 300 से सिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिक्स टी शर्ट का प्राइस निकल जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो टी शर्ट का जो प्राइस है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टी शर्ट पर डिपेंड कर रहा है। तो उसी तरह हम रेट ऑफ मोशन में देखेंगे, रेट ऑफ मोशन में देखेंगे कि ये देखिए हमारा एक एक्सिस है और इस पर एक कार जा रही है ये एक एक्सिस के डायरेक्शन में। तो मान लेते कि हमें जीरो से 50 मीटर तक और एक दूसरी कार है, इसका भी रेट अलग है। वो पहले वाले कार का थोड़ा फास्ट रेट जो था, रेट ऑफ मोशन था वो फास्ट था, और ये दूसरी वाले कार का रेट है, मोशन का जो रेट है वो कंपेयर टू पहले वाला कार ये स्लो है। देखिए ये फास्ट जा रही है थोड़ा और ये स्लो जा रही है। तो हम रेट ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे, देखिए तो यहां से मतलब के ओरिजिन से जीरो से 50 मीटर तक यहां तक जाने में पहले वाले कार को, जो फास्ट जा रही थी कार, उसको टाइम लगा 5 सेकंड, यानी 50 मीटर कवर करने में, डिस्टेंस कवर करने में उसको 5 सेकंड लगा। तो देखिए हमें रेट निकालना है, रेट ऑफ मोशन। तो यहाँ जो डिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, या टाइम पर डिपेंड कर रहा है, यानी जैसे जैसे हम सेकंड बढ़ाते जाएंगे ये डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे। जब हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक सेकंड में ये जो कार कितना डिस्टेंस से कवर किया वो हमें मालूम चल जाएगा। तो रेट ऑफ मोशन ऑफ फर्स्ट कार इक्वल टू 50 मीटर डिवाइडेड बाई 5 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये पहले वाला एक कार क्या हम लोगों ने एक कैलकुलेशन किया जो जिसका रेट अधिक था, फास्ट जो चल रही थी। अब हम दूसरे वाले कार का रेट निकालते हैं। टाइम मान लेते हैं कि इसको जीरो से 50 मीटर आने में टाइम लगा उसको 10 सेकंड, तो 10 सेकंड टाइम लगा तो इसका रेट ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, 50 मीटर टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उसको हम 10 सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो हम अभी रेट ऑफ मोशन निकालना सीख लिए। तो जो रेट ऑफ मोशन है, द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉडी या ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यानी यूनिट यानी पर सेकेंड में कोई बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम रेट ऑफ मोशन बोलेंगे। जैसा हम लोगों ने पीछे निकाला, ये देखिए एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है ये फर्स्ट वाली कार, 10 मीटर पर सेकंड, तो ये 10 मीटर पर सेकंड फर्स्ट वाले कार का रेट हो जाएगा, और सेकंड वाले कार का रेट हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो एक सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो देखिए ये जो रेट ऑफ मोशन है, यानी एक सेकंड में जो बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं, और इसको बोलते हैं स्पीड, इसको बोलेंगे स्पीड। तो देखिए अब स्पीड का भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। स्पीड किसे बोलेंगे, यानी स्पीड
एक सेकंड में यानी पर सेकंड में जो भी बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पीड। तो देखिए स्पीड, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और ये हो गया मीटर पर सेकंड, और इसको ऐसे लिखते हैं, और हम स्पीड को सेंटीमीटर पर सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं, या किलोमीटर पर आवर में भी मेजर किया जाता है। तो अच्छा, ये स्पीड का जो डायरेक्शन नहीं होता है, स्पीड में सिर्फ ये मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए मान लीजिए इस कार का हमें स्पीड बताना है, तो इस कार का मान लीजिए कि स्पीड है, जो अभी कार गई राइट साइड में गई, ये देखिए ये कार राइट साइड में गई, तो इसका स्पीड क्या होगा, मान लेते हैं कि इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बताएंगे, यानी 10 मीटर पर सेकेंड बताएंगे इसका स्पीड, इसका डायरेक्शन नहीं बताएंगे, डायरेक्शन ये लेफ्ट से राइट जा रही है ये नहीं बताएंगे। जैसे मान लीजिए ये कार, इसका भी स्पीड राइट से लेफ्ट में आई, तो इसका भी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इस केस में हम स्पीड जब भी बोलेंगे तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बोलेंगे, उसको डायरेक्शन नहीं बताएंगे, क्योंकि स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी होता है, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो आइए अब हम एवरेज स्पीड के कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम जितना भी मोशन देखते हैं, बहुत सारे केसेस में, कुछ एक्सेप्शनल छोड़कर, बॉडी का जो मोशन रहता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। अगर कोई बॉडी चल रही है तो बीच में वो कहीं रुकेगी, या किसी कारण से उसका स्पीड धीमा हो जाएगा, फिर कुछ आगे स्पीड अलग रहेगा, कभी तेज चलेगी, कभी स्लो चलेगी, कभी रुक जाएगी। तो देखिए इस केस में हम देखते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये कार जा रही है, इस कार का जो मोशन है ये यूनिफॉर्म है, यानी 0 से 50 मीटर तक जाने में उसका स्पीड चेंज नहीं हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और एक ये जो ट्रक है, ये देखिए 0 से 25 मीटर तक आई, थोड़ा इसका स्पीड अधिक था, और 25 मीटर से 50 मीटर जाने में वो थोड़ा उसका स्पीड कम हो गया। एक बार और देखते हैं, ये देखिए 0 से 50 मीटर तक आई, थोड़ा स्पीड कम था, आके 20 मीटर 25 मीटर पर थोड़ा एकदम बहुत स्लो हो गई, फिर वहां से उसने स्पीड अपना फिर बढ़ा लिया। तो इस केस में हमें, अगर मान ले कि इस 0 से 50 मीटर तक जाने में जो, अगर जाने में उसको जो टाइम लगा, और टोटल डिस्टेंस तो यहाँ 0 से 50 मीटर है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसका स्पीड क्या है, इसे ट्रक का स्पीड क्या है, तो देखिए यहाँ से 25 मीटर तक उसका कुछ अलग स्पीड था, और 25 मीटर से 50 मीटर तक उसका कुछ अलग स्पीड था, यहाँ से यहाँ तक है उसका कुछ अलग स्पीड था, और यहाँ से यहाँ तक कुछ अलग स्पीड था, तो इसका स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम कौन सा स्पीड बताएंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि 0 से 50 मीटर तक जो ट्रक गई तो उसका स्पीड क्या है, तो देखिए अगर हम यहाँ का स्पीड बोलते हैं तो ये कुछ दूसरा आ जाएगा, यहाँ का स्पीड बोलते हैं तो कुछ दूसरा नंबर आएगा, तो हमें, लेकिन हमें 0 से 50 मीटर बताना है, तो कोई बच्चा यहाँ का स्पीड बता देगा, कोई बच्चा यहाँ का स्पीड बता देगा, तो हमें ये तो किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस का या किसी पार्टिकुलर समय का स्पीड हुआ, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से 0 से 50 मीटर का हम लोग एवरेज स्पीड का कंसेप्ट लाएंगे, यानी एवरेज स्पीड हम यहाँ से 0 से 50 मीटर का जो है, अगर किसी बॉडी का
जो मोशन है नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम उसके स्पीड को एवरेज स्पीड के रूप में बताएंगे। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? देखिए, एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम टेकन। यानी मान लीजिए कि 0 से 50 मीटर, तो ये 50 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया, और मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम 10 सेकेंड लगा, टोटल टाइम। यहाँ से यहाँ तक कुछ अलग टाइम लगा होगा और यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ अलग टाइम लगा होगा, लेकिन हम टोटल टाइम लेंगे। यहाँ से 0 से 50 मीटर तक जाने में जो टोटल टाइम लगा, वो टोटल टाइम से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो हमारा जो एनसीईआरटी के बुक में है, अगर डिस्टेंस को हम लोग एस से डिनोट करेंगे और टाइम को टी से, तो हम एस को टी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये एवरेज स्पीड मालूम चल जाएगा। तो आइए हम इस बुक में दिए गए इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल 8.1 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या है, एंड ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 60 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनादर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट का जो जो मोशन है उसको दो पार्ट में बताया गया है। पहला पार्ट है कि 16 मीटर में वो 16 मीटर ट्रेवल करने में 4 सेकेंड लेती है, और दूसरा पार्ट है आगे का जो नेक्स्ट 16 मीटर है उसको ट्रेवल करने में 2 सेकेंड लेती है। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमसे पूछा गया कि उसका एवरेज स्पीड क्या है। तो ये कैसा मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें एवरेज स्पीड बताना पड़ेगा। तो आइए हम एवरेज स्पीड को कैसे निकालेंगे समझते हैं। ये मान लीजिए कि हमारा एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करना चालू करेंगे, तो यहाँ तक ये 16 मीटर है, और फिर यहाँ से ये यहाँ तक ये नेक्स्ट 16 मीटर है। यानी ओरिजिन से अगर यहाँ तक मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा 32 मीटर। तो आइए कि एक गाड़ी के मोशन को देखते हैं। देखिए ये गाड़ी जो है वो ओरिजिन से चलना चालू करती है, और 16 मीटर पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है, फर्स्ट 16 मीटर पहुंचने में उसको 4 सेकेंड लगा, यहाँ तक यहाँ यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 4 सेकेंड लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 16 मीटर। और देखिए नेक्स्ट जो 16 मीटर है वहाँ यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 2 सेकेंड लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 2 सेकेंड लग रहा है। तो अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा कि टोटल डिस्टेंस ये जो गाड़ी थी कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस देखिए कहाँ है, 0 से 32 मीटर तक ट्रेवल किया, फर्स्ट पार्ट में 16 मीटर और फिर नेक्स्ट पार्ट में 16 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 32 मीटर। ये हो गया 16 प्लस 16, ये वाला 16 प्लस ये वाला 16, टोटल हो गया 32 मीटर। अब टोटल टाइम कितना लिया उसने, टोटल टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकेंड, तो टोटल टाइम हो गया 4 प्लस 2 सेकेंड यानी 6 सेकेंड। तो अब हमें एवरेज स्पीड का हम लोगों ने अभी पहले फॉर्मूला देखा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन इक्वल टू एस बाई टी, और हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है 32 मीटर, उसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 5.33 मीटर पर सेकेंड। और इसमें हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे, सिर्फ के क्या बताएंगे, मैग्नीट्यूड बताएंगे, यानी 5.33 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा एवरेज एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो
आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो देखिए, द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5.3 मीटर पर सेकेंड, इसमें हम डायरेक्शन को नहीं बताएंगे। तो चलिए, आज का हम टॉपिक आज समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, फिजिक्स नमा को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।